केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में प्रस्तुत बजट में LIC की 10% हिस्सेदारी बेचने के विरोध में LIC अधिकारी कर्मचारी लामबंद हो गए हैं, जिसके चलते धर्मशाला में LIC कार्यालय के बाहर निगम के अधिकारियों व कर्मियों ने इसका विरोध जताया तथा केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। LIC अधिकारियों का कहना है कि आज तो एक घंटे का प्रदर्शन किया गया है, लेकिन आगामी दिनों में ट्रेड यूनियनों से बैठक करके आगामी रणनीति बनाई जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में प्रस्तुत बजट में LIC की 10% हिस्सेदारी बेचने के विरोध में LIC अधिकारी कर्मचारी लामबंद हो गए हैं, जिसके चलते धर्मशाला में LIC कार्यालय के बाहर निगम के अधिकारियों व कर्मियों ने इसका विरोध जताया तथा केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। LIC अधिकारियों का कहना है कि आज तो एक घंटे का प्रदर्शन किया है, लेकिन आगामी दिनों में ट्रेड यूनियनों से बैठक करके आगामी रणनीति बनाई जाएगी। LIC अधिकारियों की माने तो सरकार अभी 10% हिस्सेदारी बेच रही है, जबकि आने वाले दिनों में सरकार इसे पूरी तरह बेच दे, इसका उन्हें डर है। इस दौरान एक घंटे तक LIC कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया। LIC धर्मशाला के प्रशासनिक अधिकारी एवं कर्मचारी नेता SR कपूर ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा बजट में LIC की 10% हिस्सेदारी बेचने के खिलाफ प्रदर्शन किया गया है। LIC ही पब्लिक सेक्टर में ऐसा उपक्रम है जो मुनाफा कमाकर हर वर्ष केंद्र सरकार को विकास के लिए अरबों रुपए देती है। इससे देशवासियों के हित जुड़े हुए हैं। लोगों को डर है कि आज शुरुआत है, आज 10% सरकार बेच रही है, कल 20 भी बेचेगी। आज जो केंद्र सरकार ने BSNL और रेलवे का हाल किया है, जैसे सरकार निजीकरण की ओर जा रही है, उससे लगता है कि कहीं सरकार LIC को भी अदानी और अंबानी को न बेच दे, ऐसा जनता के हित में LIC कर्मियों को डर है। प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो 10% जो बजट में लोकसभा में जो बजट पेश किया फरवरी को उसमें जो है वो उन्होंने 10% की हिस्सेदारी जो है वो LIC की जो बेचने की बात कही गई है। तो हमारा ये प्रोटेस्ट करने का मानना ये है कि ये जो पैसा LIC जो है इकट्ठा करती है, LIC जो है हर साल जो है गवर्नमेंट को एज ए डिविडेंड करोड़ों और अरबों रुपये जो है वो देती है, और LIC ही एक ऐसी पब्लिक सेक्टर में एक ऐसी प्रॉफिट मेकिंग इंडस्ट्री है जो प्रॉफिट जो है वो कमा के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे रही है, और पब्लिक लार्ज पब्लिक का जो है वो उसका इंटरेस्ट देखा जा रहा है। हमें आनी इसलिए हो रही है कि हम नहीं चाहते कि सरकार बेचे, क्योंकि लोगों के अंदर आज 10% बेचा, ये शुरुआत है, कल को 20% बेच सकते हैं, कल को पूरी जो FDI हमारी सो पूरी जो LIC जो है वो उसका निजीकरण किया जा सकता है। और ये जो जैसे आज BSNL की हालत की इन लोगों ने, आज रेलवे की हालत की इन्होंने, प्राइवेटाइजेशन की ओर एक जा रहा, तो हो सकता है कि कल को हमारी LIC भी अडवानी और वानी को बेच दें। तो हम इसलिए जो है वो हमारा नुकसान जो है वो बींग एम्प्लाइज नहीं है, लेकिन आम पब्लिक का नुकसान है। ये पब्लिक भी इसमें जो है इन्वॉल्व है कि हम जो है पब्लिक पैसे के ट्रस्टी हैं। आज जो है एक घंटे की स्ट्राइक है हमारी, एक घंटे तक जो है 12:15 से 1:15 तो आज स्ट्राइक की, एक एडिशनल एक फेस है, उसके बाद हम लोगों में जाएंगे, लोगों को मोबिलाइजेशन करेंगे, और हमारा जो है एक आने वाले दिनों कोर्स ऑफ सारी ट्रेड यूनियन बैठेगी और कोर्स ऑफ एक्शन जो आगे जो है वो जारी रखेंगे, और हम जो है वो इसको कंटिन्यू रखेंगे। कोई इसमें जो है वो मतलब कोई झिझक वाली बात नहीं है कि जब तक हमारी डिमांड जो है मानी नहीं जाती तब तक हम जो है वो इसको जो है वो संघर्ष को कंटिन्यू और गवर्नमेंट को मजबूर करेंगे कि वो इस स्टेप को वापस लें।